हमारे देश में ऐसी बहुत सारी देश विरोधी मीडिया है जो इस वक्त अपना काम कर रही है, अपना नेटवर्क फैला रही है। बहुत सारे ऐसे विदेशी न्यूज चैनल है जो अपने देश की बुराइयों को तो नहीं दिखाते हैं, लेकिन भारत में जो भी अच्छा काम चल रहा है उसे गलत तरीके से दिखाते हैं। खासकर कोरोना काल में तो इन अखबारों ने, इन न्यूज पेपर ने, इन मीडिया चैनलों ने बहुत ही ज्यादा रायता फैला दिया। इसी में एक है बीबीसी। बीबीसी हिंदी भारत में काम करता है और अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए मशहूर है। लंदन में इसे बैन किया जा चुका है, चाइना ने भी इसे बैन किया था कोरोना की गलत खबरों को दिखाने के लिए, और जितना जल्दी हो सके अगर इंडिया में भी बीबीसी को बैन कर दिया जाएगा तो इंडिया के हित के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। अब आप सोचिए कि बॉलीवुड जो है वो कितना डर गया है। क्या बॉलीवुड सीबीआई से डरा है? जी नहीं, एनसीबी से, एनसीबी से भी नहीं डर रहा है, ना पुलिस वालों से डर रहा है, किसी से नहीं डर रहा है, ईडी तक से नहीं डर रहा है। तो बॉलीवुड डर किससे रहा है? आप सोचकर हैरान हो जाओगे कि बॉलीवुड छोटे छोटे यूट्यूबर से डर रहा है। वो यूट्यूबर्स जो लगातार बॉलीवुड का काला सच आपके सामने लेकर आ रहे हैं, इनकी सच्चाई दिखा रहे हैं, आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहे हैं, इनकी जो गलतियां हैं, जो काले कारनामे हैं, जो काले चिट्ठे हैं, वो आपके सामने हर रोज पेश करते हैं, क्या इनमें इनका कोई स्वार्थ है? जी नहीं, स्वार्थ कुछ भी नहीं है, जो है वही दिखा रहे हैं, न्यूज का काम कर रहे हैं। लेकिन आज ये यूट्यूबर्स की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि बड़े बड़े मीडिया चैनल्स, बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारे डर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है। बॉलीवुड का बॉयकॉट होना मतलब बॉलीवुड से बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं, ड्रग्स जुड़ा है, अंडरवर्ल्ड जुड़ा है, माफिया जुड़ा है, तो इन्हें भी नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं। तो अब भाई देखिए, बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री लाने का काम किया है। इस डॉक्यूमेंट्री में उन लोगों के बारे में बातचीत की जाएगी जिनके ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में कि ये लोग बॉलीवुड से नफरत करते हैं, बॉलीवुड को बर्बाद करने के लिए फेक और झूठी खबरें दिखाते हैं। ये यूट्यूबर्स बॉलीवुड से इतनी नफरत क्यों करते हैं? ये सुशांत सिंह राजपूत को समर्थन क्यों दे रहे हैं? बॉलीवुड वालों को समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर बॉलीवुड से इनकी क्या दुश्मनी है? यानी बॉलीवुड के लिए बीबीसी आखिरी सहारा है, क्योंकि इनकी मीडिया फेल हो चुकी है, इनकी पीआर एक्टिविटी फेल हो चुकी है, अब रही सही कसर विदेशी मीडिया पर टिकी हुई है। तो इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट्री लेकर आए, उसका ट्रेलर बीबीसी हिंदी के ट्विटर पर आप जाकर देख सकते हैं, स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इनके डर का आलम देखे कि पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी है यूट्यूबर्स को लेकर। देखना है कि इसमें कौन कौन से यूट्यूबर्स शामिल हैं जो सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। और खासकर इसमें सोचिए, एनके सूद का भी वीडियो दिखाया जा रहा है। एनके सूद भी मतलब बॉलीवुड विरोधी हो गए, नफरत फैलाने वाले हो गए। हाँ, क्योंकि एनके सूद ने दीपिका पादुकोण की फोल खोली थी जो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन कर रही थी। मतलब जो भी देश हित में बात करेगा, जो देश के अच्छाई के लिए बात करेगा, जो पोल खोल खुलेगा देशद्रोहियों की, उनके लिए भाई बीबीसी डॉक्यूमेंट्री लेकर आ रहा है कि ये लोग बॉलीवुड विरोधी हैं, बॉलीवुड का भला नहीं चाहते हैं, और ये है ये बॉलीवुड का भला, और ये बीबीसी वाले इस देश का भला चाहते हैं। सरकार बहुत ही जल्दी इनके ऊपर एक्शन लेने वाली है, ये बात भी आप नोटिस करके रख लीजिए भाई। मतलब एक छोटे छोटे यूट्यूबर्स आज इतने बड़े मुहिम का हिस्सा बन गए हैं, सुशांत सिंह राजपूत को समर्थन देते देते, इंसाफ की बात करते करते, कि अब इनके बीच डर बैठ गया है। अब वैसे भी यूट्यूबर्स ने मुद्दा नहीं उठाया होता तो सुशांत की बात इतने दूर तक कभी ना जाती, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ना दिखाते इन खबरों को, और रिपब्लिक भारत भी बहुत बाद में आया था। जब यूट्यूबर्स ने इन खबरों को दिखाना शुरू किया तब जाके इस मुहिम को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला।